जाते भई अरहंता दि महान करि मंगल कर हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो सिद्ध शिव भूप। मोक्षमार्ग प्रकाशक का नौवा अधिकार चल रहा है जिसमें पंडित प्रवर टोडनवल जी इस जीव के हित की बात बता रहे हैं कि इस आत्मा का जो हित है वह किस कार्य में है। कल जो प्रकरण चल रहा था कि अनादि काल से यह जीव अज्ञान दशा के कारण से पंचेंद्रियों के विषय भोगों में सुख की कल्पना करता रह रहा है, गतियों के अंदर सुख की कल्पना कर रहा है और उस कल्पना के कारण से वह प्रकट रूप से केवल दुख ही पा रहा है। तो ऐसा जो मिथ्यात्वादिक है, मोहादिक है, उसको हे जान करके, हे मान करके उसका तो त्याग करें और सच्चे उपदेश को ग्रहण करते हुए सम्यक्वादि की प्रकट करने का मार्ग प्रशस्त करें। क्यों? क्योंकि इस जीव के लिए करने लायक कार्य केवल अपने स्वभाव का ही है। इसलिए यहाँ पे टोडनमल जी लिखते हैं कि आत्मा का हित क्या है, कि आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। यहाँ पर जो लिखा है आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसीलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। कि बोले ऐसा नहीं लिखा है कि आत्मा का हित संसार अवस्था में है तो संसार अवस्था में इस जीव का हित संसार के लिए जो संसार के आवश्यक कार्य हैं पहले तो उसको करना और फिर उसके बाद समय मिले तो चिंतन मनन आदि करना। यहाँ पे टोडनमल जी ने सीधा सा लिख दिया कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है। ये कर्तव्य क्या है इस जीव का? कि बोले उस आत्मा का ही उपाय करना। हम अपनी बोलचाल की भाषा में हर एक चीज के अंदर, हर एक प्रक्रिया के अंदर हम पूछते हैं कि भैया नौकर का कर्तव्य क्या, पुत्र का कर्तव्य क्या, शिक्षक का कर्तव्य क्या, मालिक का कर्तव्य क्या? क्यों? क्योंकि उन सब के जो जो जिस जिस नाम को उन्होंने धारण किया है, जिस जिस पदवी को या जिस जिस पर्याय को उन्होंने धारण किया है, उस पर्याय उस पदवी संबंधी उनका कर्तव्य भी होता है। किसी मंदिर का कोई अध्यक्ष हो, मंत्री हो, बोले अध्यक्ष के लायक क्या कर्तव्य है, मंत्री का क्या कर्तव्य है, खिलाड़ी का क्या कर्तव्य है, बोले सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। कर्तव्य अर्थात उसके लिए वही कार्य उपयुक्त है। यदि वह उस कार्य को नहीं करे तो बोले उसको उस पद में रहने का अधिकार नहीं है। शिक्षक का कर्तव्य शिक्षा देना और शिक्षक आकर के और क्लास में मौज मस्ती की बातें करे या आकर के वहाँ पे निद्रा लेने लगे तो उस शिक्षक को कब तक छात्र बैठ करके सुनना पसंद करेंगे या उस शिक्षक को कब तक
वहाँ पर उस पोजीशन में रखने का अधिकार रखेंगे। तो जो जिसका कर्तव्य है उसको वही कार्य शोभा देता है। यहाँ पर टोडरमल जी बता रहे हैं कि बोले आत्मा का क्या कर्तव्य है, अर्थात इस जीव का कर्तव्य क्या है, कि बोले इस जीव का कर्तव्य तो केवल मोक्ष की प्राप्ति करना ही है। मतलब ये एक जो लाइन लिख दी है ये बहुत तरह के हमारे संसार के जो उलझनों के जो विकल्प चलते रहते हैं दिन रात, उन सारे विकल्पों से दूर कर देती है। क्यों? क्योंकि हम इस संसार के अंदर इस जीव को कितने सारे कार्य नजर आते हैं, ये घर गृहस्थी के कार्य, व्यापार आदि के कार्य, समाज के कार्य, बहुत सारे कार्य नजर आते रहते हैं। तो यह अपने आप को उन सारे कार्य का कर्ता मानता रहता है कि बोले मैं इस कार्य के लिए ही बना हूं, यदि मैं नहीं हूंगा तो ये कार्य कैसे संभव होगा। तो वह यह जीव इस संसार के कार्य को अपना कर्तव्य मान करके दिन रात उसी का प्रयास करता रहता है। तो यहां पे टोडरमल जी ने हमारे को उस संसार के इतनी सारी आकुलता व्याकुलता रूप से जो परिणाम उधेड़ बुन चलती रहती है उसको दूर करते हुए एक लाइन में लिख दिया है कि बोले इस जीव के करने लायक कार्य क्या है, कि बोले केवल मोक्ष की प्राप्ति करना ही है। बोले इसके अलावा यह जीव किसी कार्य को करता ही नहीं। बोले यदि हमने कोई ये दिमाग में हमारे क्वेश्चन आए कि यदि हमने यह माना कि मेरे करने लायक कार्य केवल मोक्ष का ही है, तो फिर जो बाकी का जो संसार का चक्र चल रहा है, संसार की क्रिया चल रही है, वो सब क्रिया को कौन करेगा, संसार की व्यवस्थाओं को कौन देखेगा। तो यहाँ पे टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं कि बोले ये टोडरमल जी के अनुसार कोई मोक्ष आत्मा का कर्तव्य ऐसा नहीं, बोले ये क्या है कि ये वस्तु की व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि बोले प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य अपने षट कार्य जो षट कर्म है, कर्ता कर्म आदि, उसी में उपयुक्त है, उसमें परिपूर्ण है। एक द्रव्य को दूसरे अन्य द्रव्य के किसी प्रकार की ना कर्म की अपेक्षा है ना कर्तापने की अपेक्षा है। बोले ये वस्तु व्यवस्था इतनी स्वतंत्र है, बोले इतनी स्वतंत्र है तो फिर यह जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है जब इतनी स्वतंत्र है। तो यहां पे एक समझाना चाह रहे हैं कि बोले वह परिभ्रमण केवल अपनी अज्ञानता के कारण से कर रहा है। उसने अज्ञानता से क्या मान रखा था कि बोले अभी तक तो बोले मेरी आत्मा का हित क्या है, कि बोले आत्मा का हित है घर गृहस्थी चलाना, समाज में नाम प्राप्त करना, अच्छे से अच्छी व्यवस्था करना, शरीर को निरोग रखना। बोले ये क्या मान रखा है इस जीव ने, यह मेरे आत्मा का हित है, इस जीव का कार्य है, हित मतलब उसका कार्य है। तो बोले वो यह मान करके दिन रात उसी का चिंतन करता रहता है कि कहीं मेरे शरीर में बीमारी तो नहीं आ रही है, कोई रोग तो पैदा नहीं होने वाला है, मेरे घर गृहस्थी की व्यवस्था में कुछ बिगाड़ तो नहीं हो रहा है। क्यों ये चिंतन क्यों चल रहा है जीव का, अज्ञानी का? क्योंकि वह इसको अपना हित मानता है, कार्य मानता है। और बोले वह कार्य मान रहा है अनादिकाल से, तो वह कार्य मानता हुआ परिभ्रमण कर रहा है। जैसे जो मकड़ी होती है, मकड़ी तो मकड़ी का जो जाल होता है, वह मकड़ी का जाल कैसे बनाती रहती है मकड़ी,
खुद जिस दिशा में चलती रहती है वहां पे अपनी लार छोड़ती रहती है, फिर बढ़ती रहती है, फिर क्रॉस हो जाती है, फिर इधर, तो वह जाल लगातार ही बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो जाल कभी बंद हो जाता है, वह बढ़ता रहता है, जिधर जाएगी उधर बढ़ेगा। तो ऐसे ही अनादि काल का जो मोही जीव है, अज्ञानी जीव है, यह मोह के कारण से केवल संसार परिभ्रमण का जाल ही बुनता रहता है। क्यों? क्योंकि वह अपना हित उसी में मान रखा है। ऐसा नहीं है कि वो उसमें अहित मानता है। यदि कोई जीव घर गृहस्थी के कार्य में अहित माने ना, तो तुरंत की तुरंत वह संसार के कार्यों को छोड़ दे। हम उस संसार के कार्यों को क्या मानते हैं? हित रूप से मानते हैं, सुख का कारण रूप से मानते हैं, मेरे करने लायक कार्य यही है। तो ऐसा मान करके हम उन संसार के कार्यों में दिन रात रच पचते रहते हैं, उसके अलावा उससे भिन्न होने का कभी चिंतन करते ही नहीं है कि बोले यह मेरा कार्य है ही नहीं, कहीं विचार ही नहीं चलता। क्यों नहीं चल रहा? यानी अनादि काल का जो मिथ्यात्व है वो इतना ग्रसित है कि वह मिथ्या बुद्धि कभी जीव को सम्यक बुद्धि लाने ही नहीं देती है, सम्यक्तता लाने ही नहीं देती है। वह हमेशा क्या बुद्धि देती है? यानी जिस पर्याय को तूने ग्रहण किया है उसी पर्याय के करने लायक कार्य ही तेरा हित है, उसके अलावा तू अब चिंतन ही मत कर कि तूने जिस पर्याय को ग्रहण किया है, तू बस अब उसी के बारे में सोच कि ये मेरी पर्याय कैसे व्यवस्थित बनी रहे, कैसे सुचारू रूप से चलती रहे, कैसे निर्विघ्न रहे, उसी का चिंतन मनन करता रहे और इस पर्याय को समाप्त कर ले, फिर नई पर्याय धारण करना। यहां टोडलमल जी कह रहे हैं कि बोले ऐसे जीव को अनंत काल बीत चुका है और अनंत काल बीतने के बाद भी आज तक कभी इसने ऐसी शाश्वत पर्याय को धारण नहीं किया कि जहां पर यह अजर अमर रूप से रह पाए। तो बोले अब वह क्या है? तो यहां पर अब टोडलमल जी जोर देकर के समझाना चाहते हैं कि बोले इस आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। भी नहीं लिखा यहां पर कि आत्मा का हित मोक्ष भी है, मतलब कुछ ना कुछ तो डाल देते टोडलमल जी कि बोले भैया जब तक तू संसार अवस्था में है तब तक तो अपने अनुसार तू अच्छे धर्म के आदि के कार्य करते रहे, संसार की व्यवस्था बनाता रहे, और जब तेरे को छोड़ना पड़े तब फिर यहां से निकल करके मोक्ष भी चले जाना। बोले नहीं। क्यों? क्योंकि बोले आत्मा का जो हित है, हित मतलब कि जहां पर मेरा सर्वस्व मुझे प्राप्त हो सकता है, जहां मेरे लिए मेरी संपूर्णता प्रकट हो सकती है, ऐसा हित। तो बोले ऐसा हित कहां पर है? केवल वह मोक्ष में ही है, उसके अलावा और कहीं पर भी नहीं है। तो ये यहां पे टोडलमल जी हमारे सारे विकल्पों को विराम देना चाहते। बोले जो हम दिन रात इतना चिंतन कर रहे हैं, उधेड़ बून का सोच रहे हैं, तो कहते हैं बोले वहां सब तरफ से अपने उपयोग को हटा ले, और उपयोग को हटा करके अब कहां लगा कि बोले मेरा हित तो केवल एक ही है, और वह क्या है? कि मुझे अपने स्वय तत्व की प्रगटता करनी है, मुझे अपने चैतन्य स्वरूप का रसास्वादन करना है, यही मेरा हित है। और बोले बाकी सब क्या है? कि बोले बाकी सब अहित है। मतलब कठोर शब्दों में कह दें बोले बाकी सब मेरा अहित ही है, तो हमारे को बड़ा अचंभा सा लगता है। मतलब संसार के बाकी सारे कार्य मेरे लिए अहित है क्या? तो बोले क्यों? क्योंकि बोले वे सारे के सारे संसार के कार्य, संसार की प्रवृत्ति बोले तेरे को केवल परिभ्रमण कराती रहेगी, और जो तेरे को परिभ्रमण कराए बोले वह तेरा हितकारक है या अहितकारक है,
जो तेरे को दुख दे वो तेरा हितकारक है या अहितकारक है। तो बोले ये दिख रहा तो है तेरे को अच्छा सा, मतलब संसार के विषय भोग संसार के कार्य आदि अज्ञानी को दिखते तो हैं अच्छे, लेकिन बोले वे दिखते हुए अच्छे हैं लेकिन वास्तव में वह अहित रूप है। किस अपेक्षा से? कि बोले वह तेरे को अपने वर्तमान में आत्मा के स्वभाव से भी भिन्न कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं और दुखों में उलझा रहे हैं, दुखों के दलदल में तेरे को पटक रहे हैं, दुखों के जाल के अंदर डाल रहे हैं। तो ऐसे अहित को तू अहित रूप से जान, हे मान, और उसका त्याग कर। और अब तेरा हित क्या है? कि तेरा हित तो केवल मोक्ष ही है। इसलिए यहां कहा उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है। या बोले तेरा कर्तव्य भी क्या है? कि बोले तू उसी का उपाय करता रहे। और मत सोच कि मतलब मेरे संसार में मैं जब पैदा हुआ हूं या जिस ग्रस्त अवस्था मैंने धारण कर रखी है वहां पे मेरे को बहुत सारे कार्य करने। बोले वह तेरा कर्तव्य नहीं है। तो बोले फिर होएंगे कैसे? तो बोले वस्तु व्यवस्था पर श्रद्धा ला। इस संसार की सारी वस्तुएं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने स्वय समय पर निश्चित होएंगे। वो उसको कोई भी आने से रोक नहीं सकता और कोई समय से पहले उस कार्य को कर नहीं सकता। बोले वह सब अपनी योग्यता के अनुसार होने वाले हैं और तू क्या चिंतन करता रहता है कि होते हुए कार्य को। इस अज्ञानी जीव की गलती क्या हो रही है? बोले होते हुए कार्य को यह क्या मानता रहता है कि मैं था या मैं हूं तो कार्य हो रहे। एक बार चिंतन करें, यदि मैं नहीं रहूंगा तो क्या ये कार्य बंद हो जाएंगे क्या? क्योंकि सबको पता है ना कि पर्याय तो बदलती रहती है, संयोग है उसका वियोग भी होने वाला है। तो हम ये विचार करें, यदि मैं यहां पर नहीं रहा तो क्या संसार के जिन कार्यों में मैं अपना कर्तापने की बुद्धि कर रहा था क्या वो कार्य बंद हो जाएंगे क्या? तो क्या विचार आता है? बोले बंद तो नहीं होंगे लेकिन मैं हूं तो व्यवस्थित चल रहे हैं। अगर मैंने इनकी व्यवस्था करना छोड़ दी तो ये सब अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो विचार करें कि हमने कितने कार्य को पूर्ण व्यवस्थित करते रहते हैं। हम चिंतन मनन तो बहुत सारे कार्यों का करते रहते हैं, कर्तापने की बुद्धि सब में लगाते रहते हैं हम कि ये सही कर दूं वो सही कर दूं। तो लेकिन बोले हमारे विचार करने से कितने कार्य सही होते। तो बोले इन सब का सारांश यही है, इस सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होते चले जाते हैं। और यह जीव क्या मानता रहता है कि मैं हूं तो कार्य हो रहे। इसलिए यहां पे अब टोडलमल जी कहते हैं, बोले अब तेरा कर्तव्य एक ही है, कुछ भी मत चिंतन मनन कर। क्या कर? कि बोले मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपने स्वभाव की प्रकटता करनी है, उसी का उपाय करना है, इसीलिए उसी का उपदेश यहां देते हैं। अब टोडलमल जी क्या बता रहे हैं, मतलब सारी चीजें अच्छी तरह समझाना चाह रहे हैं हमारे को, सारांश रूप से फिर उसका विस्तार करेंगे। एक समरी में बता दिया कि बोले हम सब जिन वाणी को समझने आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। तो बोले क्यों आए हैं? कि बोले हमारे को जो संसार के कार्य हैं, बोले उसका भी स्वरूप पता चले कि बोले हमारे को वो संसार की प्रक्रिया सुखी कर रही है कि दुखी कर रही है, हमारी अज्ञानता रूप अवस्था। तो बोले यदि वह दुखी करती है, वह दुख के कारण है, तो बोले फिर सुख कहाँ पर है? तो अब उसको यार टोडलमल जी बता रहे हैं, बोले पहले अंदर से हम श्रद्धा लाएं कि बोले अज्ञानता दुख का कारण है, मोह आदि सब दुख के कारण है। तो बोले फिर अब सुख का कारण क्या है? कि बोले अब उसका यहां पर उपदेश देते हैं। यह उपदेश
कब ग्रहण हो पाएगा जीव को, जब उसको अंदर से श्रद्धा होगी कि वास्तव में मेरा कर्तव्य तो केवल मोक्ष ही है, आत्मा का हित तो मोक्ष ही है, तब यह उपदेश कार्यकारी होगा। और नहीं, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि कोई बात नहीं, बहुत सारा मेरे को दुख मिल रहा था, यदि उस थोड़े उस दुख में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है जिनवाणी को सुन करके, तो चलो मेरा थोड़ा दुख तो कम हो जाए। बोले नहीं भैया, थोड़ा बहुत दुख भी दूर नहीं करना। बोले हमें क्या प्रकट करना है कि हमें सुख प्रकट करना है, शाश्वत सिद्ध अवस्था प्रकट करनी है। तो बोले वह प्रकट करना है, ऐसे अंदर से श्रद्धा होगी तो यह उपदेश भी कार्यकारी होगा। जैसे क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते तो हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे टॉप क्यों करते हैं, या कुछ ही बच्चे फर्स्ट डिवीजन आते हैं, और कुछ फेल क्यों हो जाते हैं वहाँ पर। भाई टीचर तो सबके लिए समान ही है ना, सबको एक ही जैसा लेसन पढ़ा रहा है, एक ही ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है, एक ही किताबें सबको बांटी गई है, लेकिन फिर भी कुछ फेल होते हैं, कुछ टॉप करते हैं। तो बोले जो फेल हो जाते हैं, उन्होंने क्या सोच रखा था कि बोले पढ़ना मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। बोले घर वालों ने कहा है कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो गंवार रहेगा, इसलिए स्कूल जा। तो बोले मैं उनके कारण से स्कूल आता हूँ, और फिर स्कूल में आकर के पीछे वाली बेंच पे बैठ जाता हूँ और वहाँ पे मस्ती करता रहता हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वह मेरा कार्य नहीं है स्कूल आना। और जिस बच्चे ने मान रखा है इन्हीं भैया मेरा हित तो पढ़ाई में ही है, टीचर जो बोल रहा है वह समझना है, नहीं समझ में आए तो पूछ करके समझना है, तो ऐसा बच्चा फर्स्ट डिवीजन भी आता है, टॉप भी कर जाता है। तो जिसको अपना हित लगता है वह उपदेश को ग्रहण भी करता है, और जिसको हित ही नजर नहीं आता है वह केवल समय का दुरुपयोग करता रहता है, समय निकालता रहता है, पर्यायों को वह करता रहता है। तो यहां पर टोडलमल जी अब हमारे को बहुत कठोर शब्दों में समझाना चाहते हैं, हे जीवो, हे भव्य जीवो, इस आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। बोले अब इसके अलावा और कहीं पर भी अपने उपयोग को लगाए मत। बोले तू अब टेंशन मत कर कि मेरा तो व्यापार नहीं चल पा रहा है, मेरी तो घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मेरे बच्चे अनुकूल नहीं है, समाज मेरे को नहीं समझता। बोले तू चिंता मत कर, क्यों, क्योंकि वह तेरा कार्य ही नहीं है। बोले तेरा कार्य तो क्या है कि तेरा हित तो केवल मोक्ष की प्रकटता ही करना है। तो बोले ये इतना आसान कार्य है, इतने आसान कार्य पे हमारी क्रिया नहीं चल रही है, और जो संसार के जिस कार्य को हम कर नहीं सकते हैं वो बहुत कठिन कार्य है। तो बोले वह कठिन कार्य को हम दिन रात हमारे अनुसार करना चाहते हैं। तो बोले जो कठिन कार्य है जिसको हम अपने अनुसार करना चाह रहे हैं, वहां पर हम केवल दुखी ही दुखी होते रहते हैं। और जो कार्य हमारे करने लायक है, जो बहुत आसान है, उसको आचार्य देव कहते हैं, बोले उसको जो प्राप्त करता है वो सुखी हो जाता है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, चक्रवर्ती या तीर्थंकर आदि, वे सबकी सब छह छह खंडों के स्वामी राजा आदि थे। तो बोले छह खंडों के स्वामी उनके अनुसार सब उनके दास हैं, है ना। चक्रवर्ती के पास तो 14-14 रत्न आदि हैं, तो मतलब उन रत्नों में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि देवता भी उनके अनुसार कार्य करने लग जाएं। तो बोले योग्यता इतनी अधिक कि संसार के सब कार्यों को सुचारू रूप से कर सकते हूं, लेकिन फिर भी वे क्या विचार करते रहे दिन रात घर उसी घर गृहस्थी अवस्था में रहते हुए, यह कार्य करना मेरा कर्तव्य नहीं है।
क्यों? क्योंकि मेरा कर्तव्य तो मेरी आत्मा का हित करना ही है। और जैसे वे वहां से निकलते हैं और दिगंबर अवस्था ग्रहण करते हैं, मुनि दीक्षा धारण करते हैं, तो बहुत सहज निर्मल हो जाते हैं। और जब तक वह ग्रस्त अवस्था में संसार के राजपाट आदि को भोग रहे होते हैं, तब तक वह बहुत सुचारू रूप से चला रहे, लेकिन बोले फिर भी वह अंदर से दुखी रहते उस तत्संबंधी दुख रहता है। तो वह बार बार यही चिंतन करते रहते हैं कि कब मैं इस ग्रस्त अवस्था से बाहर निकलूं। ऐसा चिंतन करते हुए हमारे जितने भी तीर्थंकर है अपने राजपट को छोड़ करके और मुनि धर्म अंगीकार करके और सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको अपना हित नजर आ रहा है। जिसको अपना हित दिखता है और जिस कार्य में हित दिखता है तो उस कार्य के लिए तत्पर हो जाते हैं, और जिसको अभी हित ही नहीं चाहिए तो वह उस पेज को खोलेगा ही नहीं, उस दिशा में जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो उसका माइंड ही सेट नहीं हुआ ना। जैसे हम रेलवे स्टेशन चले जाएं और टिकट देने वाले से बोले भाई साहब टिकट दे दो, तो वो क्या पूछेगा हमारे से? आयुष क्या पूछेगा? टिकट वाला क्या पूछेगा देने वाला कि कहाँ का टिकट दूं? अब वो बोले दे दो भैया कहीं का भी दे दो, क्योंकि मेरे को तो जाना है। तो बोले भैया पहले पूछ करके आओ कहाँ पर जाना है ना। बोले ऐसा नहीं कि हम गए ठीक है भैया संसार में परिभ्रमण करना है, करते रहेंगे। तो बोले भैया तेरे को सब पागल ही कहेंगे। तो बोले पहले अपना हित देख कि तेरा हित क्या है। बोले तू सुख चाहता है ना, तो बोले वह सुख कहाँ पर मिलेगा? ये बोले वह तेरे स्वभाव में ही है। तो बोले तू अपने स्वभाव की क्रिया कर, उसको प्रकट करने की क्रिया कर, तो तेरे को सुख मिलने लग जाएगा। तो बोले यह कब निश्चित हो? ये जब इस जीव को जो मिथ्यातादिक है, मोहनियादिक है, जो अज्ञानता आदिक है, वह दुख का कारण लगे। तो जब वह दुख का कारण लगेंगे तब अब जीव को अंदर से आएगा यह मेरा हित क्या है। तो बोले मेरा हित तो केवल मेरे मोक्ष की प्राप्ति करना ही है। तो ऐसा जान करके वह जीव फिर ग्रस्त अवस्था में रह करके भी, ऐसा नहीं कि ग्रस्त अवस्था में रह करके ये चिंतन मनन नहीं चल पाएगा, बोले फिर वह ग्रस्त अवस्था में रह करके भी दिन रात क्या विचार करता रहेगा? बोले ये जो संसार के कार्य हो रहे हैं ये तो बोले अपने कर्मों के अनुसार हो रहा है, लेकिन मेरा हित तो क्या है? इन कर्मों की निर्जरा करना है। मेरा हित तो मेरे स्वभाव को प्रकट करना है। तो जब वह ग्रस्त अवस्था में रहते हुए भी जब ऐसा चिंतन मनन चलता रहता है, तत्व की धारा चलती रहती है, और फिर जैसे जैसे जब उसका वैराग्य बढ़ता है तब वैराग्य की उत्कृष्टता आती है, तो वह मुनिव्रत धारण को कर लेता है। अब वैसे मुनिव्रत धारण करता है तब चार घात्या कर्मों का क्षय करके अरहंत अवस्था प्रकट कर लेता है। अब फिर अरहंत अवस्था प्रकट किया तो फिर तो निश्चित ही थोड़े समय बाद सिद्धावस्था मोक्ष अवस्था को प्रकट कर लेता है। तो लेकिन बोले इस प्रक्रिया को चालू करने के लिए चिंतन तो जरूरी है ना। ऐसा नहीं हम ये विचार करें इन्हीं साहब अभी तो हम ग्रस्त अवस्था के अंदर हैं, अभी तो हमारे बाल बच्चे हैं, व्यापार आदि हैं, हमारे लिए ये बात है तो बहुत अच्छी, क्योंकि जिनवाणी है ना, हम जैन कुल में पैदा हुए हैं तो हम मना कैसे कर दे। बोले है तो बहुत अच्छी, लेकिन अभी हमारे लिए हितकारक ये नहीं है, है ना। हम क्या सोचे कि हम ग्रस्त अवस्था में हैं तो हमारा हितकारक तो अभी ये बताओ आप कि मेरी गृहस्थी कैसे अच्छी चले। बोले मेरी पत्नी मेरे पति मेरे अनुसार नहीं चल रहे हैं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरे नौकर मेरे अनुसार सफाई नहीं करते हैं, तो आप ये बताओ कि वह मेरे अनुसार कैसे चलें, तो वह मेरा हित हो जाएगा। और जब वह मेरे अनुकूल हो जाएंगे
फिर मैं अब विचार करूंगा कि अब मोक्ष मेरा हित है। जहां टोडरमल जी कहते हैं ये भैया तूने यदि उस ग्रस्त अवस्था के कार्य में हित ढूंढना चाहेगा तो बोले वह कभी भी पूर्ण हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बोले वह तो सब अपने अपने परिणाम के अनुसार परिणमित हो रहे हैं, उसमें तेरी कोई भी क्रिया तेरा कोई भी कर्तव्य चल ही नहीं पा रहा। बोले क्या है तेरा कार्य? बोले तू यही चिंतन मनन करता रहे ये मेरा हित तो केवल मोक्ष ही है। ये एक माला दे दी हमारे को, मणियों की माला। बोले दिन रात क्या चिंतन करता रहे ये मेरा हित तो केवल मोक्ष ही है, मोक्ष ही है। तो जब हम दिन रात यही चिंतन करते रहेंगे तो अब संसार का जो दुख भी आ रहा है ना हमारे अंदर, तो बोले वह दुख कहाँ पे दिख रहा है हमारे को? बोले यह तो संसार में, और संसार है सो वह मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य तो मोक्ष है। तो मैं अपने आप ही चाहे संसार में मेरे को पूर्व कर्म का उदय के अनुसार आदि व्याधि भी आ रही हो, विपरीत परिस्थिति भी हो रही हो, लेकिन फिर वो परिस्थिति आदि व्याधि मेरे को दुखी नहीं करती। वह सब क्यों करती है? कि यदि मैंने उसमें अपनी अज्ञानता मानूंगा तो वह मेरे को दुखी करती। जो हमारे वो होते हैं ना स्वतंत्रता वाले व्यक्ति, क्या कहते हैं उनको, फ्रीडम फाइटर्स को क्या कहते हैं, सेनानी, हाँ ना। तो जो वो व्यक्ति होते हैं उनको दूसरे जो उनको गुलाम बना के रख रखे, ऐसे हमारे अंग्रेज आदि, वो उनको पकड़ करके यातनाएं देते हैं, और यातना दे करके क्या पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे जो गुरु हैं, जो ये सारी रचना रच रहे क्रांति की, उनका नाम बताओ, वह क्रांति कहाँ पर हो रही है, सब चीजें। और उसके लिए क्या क्या यातनाएं देते हैं उनको, बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फ पे भी लेटाएंगे, उनके हाथ पाँव का छेदन बेदन भी करेंगे, लेकिन फिर भी वे अंदर से उनको थोड़ी बहुत भी चू भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके रग रग में क्या बस गया है कि मेरा हित तो देश की आज़ादी ही है। ये उनके रग रग में बस गया, उनके खून खून में बसा हुआ है। यदि मेरा देश आज़ाद हो गया, मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, मेरा देश तो स्वतंत्र हो जाएगा। और बोले यदि मैंने मेरे शरीर की व्याधि को देखा, और शरीर की व्याधि को देख करके यदि मैंने अपने संग का नाम बता दिया, उसका ठिकाना बता दिया, तो वह होता हुआ कार्य रुक जाएगा। तो बोले वह आदि व्याधि को क्यों क्यों सहन कर रहा है? क्या उसको दुख नजर नहीं आ रहा? क्या उसके शरीर का छेदन वेदन का दुख दुख नहीं दिख रहा उसको? बोले सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वह दुख दुख क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि उसके अंदर क्या धारणा बैठी है कि मेरा हित तो देश को आजाद कराना है। तो जो वो अंदर से उसकी जो धारणा बैठ गई है, उस धारणा के बल पर अब उसको शरीर का दुख दुख नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे यहां पे टोडरमल जी हमारे को अब समझाना चाह रहे हैं, ये बोले अनंत काल बीत चुका है, अभी तक यह जीव केवल पर्याय के दुखों से दुखी होता था और उसी को दूर करने में उधेड़बुन करता रहता था। ये कैसे मेरे शरीर और शरीर के संयोगियों की व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो जाए, अनुकूल व्यवस्था हो जाए, सब कुछ बहुत व्यवस्थित चलती रहे। यहां पे अब टोडरमल जी कह रहे हैं, ये बोले वह तेरा हित नहीं है, तू यदि व्यवस्था कर भी देगा तो बोले वह थोड़े समय अच्छा तेरे को दिखेगा, लेकिन ये पर्याय छूटेगी फिर वापस से दूसरी गति में चला जाएगा। तो ले तेरा दुख तो बराबर बना ही रहेगा। तो ले अब तेरे को क्या चिंतन करना है? ये बोले मेरा हित तो केवल क्या है, मोक्ष ही है। आत्मा का हित अर्थात मेरा हित, इस जीव का हित, मेरा हित तो केवल मोक्ष ही है। तो अब मेरे को उपाय भी किसी का करना है, केवल इसी का उपाय करना है।
यहाँ पर ये सारे जो शब्द लिखे हैं टोडरमल जी ने चुन चुन के लिखे हुए हैं, लाइनें बहुत अच्छी है, क्योंकि इस जीव को दिन रात हमारा उपयोग चलता ही रहता है ना, उपयोग कभी रुकता तो है नहीं। तो बोले ये इस उपयोग के अंदर कितने कर्तव्य नजर आ रहे हैं, बोले इस उपयोग के अंदर जितने भी कर्तव्य नजर आते हैं उन सारे के सारे कर्तव्य में हम चिंतन करें, क्या वह कर्तव्य मेरी आत्मा के हित के लिए हो रहे हैं क्या। तो बोले वह सारे के सारे क्रिया कर्तव्य अर्थात क्रिया आदि, बोले वह सारी की सारी क्रिया किसके हित के लिए हो रही है, केवल पर्याय के हित के लिए हो रही है, संयोगियों के हित के लिए हो रही है। बोले आत्मा के हित के लिए हो रही है क्या, बोले हम आत्मा को तो जानते ही नहीं है ना। संसार में इतने जीव, अधिकांश जीव तो ऐसे हैं कि जो आत्मा को ही नहीं जानते, आत्मा की सत्ता ही नहीं स्वीकार करते, तो उनकी बात तो चल ही नहीं रही। यहां तो किसकी बात चल रही है, जिसको कम से कम अभी अपनी आत्मा की सत्ता की तो स्वीकारता है। अब बोले जब मेरी आत्मा है अर्थात जो मैं हूं, तो बोले अब मेरा उपाय क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। बोले मेरा कर्तव्य तो केवल अपने निज स्वभाव की प्रकटता ही करना है, उसी का आनंद लेना है। ऐसा जब दिन रात हमारा चिंतन मनन चलेगा, तो जो ये उपयोग अभी तक हमारा पर द्रव्य के अंदर उलझ रहा था, संसार के कार्यों में भटक रहा है, तो बोले वह भटकते हुए भी वहां से भेद विज्ञान करता रहेगा, क्योंकि वह तो सब औपाधिक भाव है, वे क्रिया होती रहती सारी की सारी, उस क्रिया को आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन ये जब चिंतन हमारे अंदर बैठ जाएगा ना, आत्मा का हित ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष है, तो बोले वह संसार के सारे कार्यों के अंदर यह जीव भेद विज्ञान करता रहता है कि बोले क्या ये मेरे को सुखी कर रहा है या दुखी कर रहा है। बोले जब दुखी कर रहा है तो मैं क्यों आकुलता पाऊं इस संसार के कार्यों में, मैं होता हुआ देखू ना, जानू ना, और अब मेरे को क्या कार्य करना है कि मेरे अपने चैतन्य लक्षण से मैं भ्रष्ट नहीं हो जाऊं, उसी को जानना मानना है। ऐसा चिंतन मनन कब चलता है, जब इस जीव के अंदर से दृढ़ श्रद्धान हो जाए कि आत्मा का हित तो क्या है, मोक्ष ही है। मतलब पढ़ने के हिसाब से नहीं पढ़े हम, समझ रहे हैं ना, कैसे समझे ये वास्तव में मेरा हित तो क्या है। महिलाओं से पूछे भैया हमारा हित तो क्या है, रोटी बनाना है ना, हमारा हित तो क्या है, घर गृहस्थी चलाना, यही तो हमारा हित है। अगर हम रोटी नहीं बनाएंगे तो घर वाले हमारे को घर में रहने देंगे क्या, बोलेंगे भैया तुम्हारे को रोटी नहीं बनानी, घर गृहस्थी नहीं संभालनी है तो मंदिर में रहो, जो यहाँ पे हित दिख रहा है वही कार्य करो, है ना। हम पुरुष वर्ग से विचार करें, बोले हमारा हित क्या है कि बोले नौकरी करना, व्यापार करना, घर गृहस्थी को संभालना, यही तो हमारा हित है। क्यों, बोले ये नहीं करेंगे तो फिर भैया घर गृहस्थी छोड़नी पड़ जाएगी। बोले नहीं भैया, बोले वह सब क्या है, वह सब औपाधिक क्रिया है, कर्मों के अनुसार क्रिया हो रही है वो। बोले वह सबकी सब क्रिया होती रहेगी, चलती रहेगी, उस क्रिया को कोई रोकेगा नहीं, होएगी वो अपने आप। जैसे मानो कैसे होएगी, हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं है ना, आप रोज 9, 9:30 बजे घर पहुँचते हैं, और 9:30 बजे घर पहुँच करके भोजन बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, और जिसको जाना है होता है 10 बजे हमारे घर वालों को, तो 10 बजे निकल जाते हैं। अब मान लो हम नहीं पहुँचे है ना, मन लग गया, कैसे मन, इसके कारण से नहीं, इसके कारण से तो उल्टा हो जाएगा, किसके कारण से नहीं पहुंचे, बाहर बहुत तेज बारिश आ जाए है ना, या कर्फ्यू लग जाए, उसके कारण से, क्योंकि सही कारण होना चाहिए ना। अगर हमने जिनवाणी के अनुसार घर नहीं पहुंचे तो कल को घर वाले क्या बोलेंगे, मंदिर जाना ही बंद कर दो भैया। अब लेकिन बाहर लग गया कर्फ्यू, केवल अपने एरिया में लगा, अब घर वालों का इंतजार चल रहा है ना, क्योंकि रोज हम ही तो खाना बना के खिलाते देते, तभी तो जाते हैं वो। अब वो फोन करके पूछे भैया आ क्यों नहीं पा रहे हो, इतना टाइम हो गया, तो क्या कहें हम कि हम आना तो चाहते हैं लेकिन बारिश बहुत तेज है,
कर्फ्यू लग चुका है, हम कैसे आए? अब बताओ, दिन रात हम ही तो उनको खाना खिला रहे थे और उनको 10 बजे निकलना होता है, उस एरिया में कुछ भी नहीं है, ना कोई कर्फ्यू है ना कोई बारिश है, तो वो अब अपना कार्य करेंगे कि नहीं करते हैं? अपने आप वो देखते हैं, भैया क्या आप रेडीमेड सामान बना हुआ है उसको टिफिन में डालो और चलो, तो कोई कोई कार्य रुकता है क्या? बोले संसार के सारे कार्य अपने अपने अनुसार होते रहते हैं, केवल हमने हमारी अज्ञानता में ये माना हुआ है कि मैं नहीं हूंगा तो कार्य कौन करेगा। मतलब निषेध किसी चीज का नहीं है, केवल हमारी जो चिंतन की धारा है उसको सम्यक करना है कि बोले मेरा हित संसार के कार्यों में नहीं है, मेरा हित तो केवल मेरे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्रकट करना है, आत्मा का हित तो केवल आत्मा का स्वभाव की प्रकटता करना है। और बोले वह जिस जो अपने उस हित में लगता है उसके संसार के सारे कार्य भी व्यवस्थित होते ही रहते हैं, सुचारू रूप से होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो टोडरमल जी इस पे बहुत वजन दे रहे हैं कि आत्मा का हित तो मोक्ष ही है, इस लाइन को अपने अंदर हम रट लें, मतलब इसको क्या माने, ये एक दवा है, दवा की बहुत अच्छी गोली है, टैबलेट है, और इस टैबलेट को बार बार चिंगम करते रहो, चूसते रहो कि बोले मेरा हित तो क्या है, मोक्ष ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब ये चिंतन की धारा हमारी चलती रहेगी तो अब जो टोडरमल जी हमारे को उपदेश से समझाना चाहते हैं तो वह उपदेश भी ग्रहण हो पाएगा, और यदि यह हमारे अंदर आएगा ही नहीं कि मेरा हित तो मोक्ष ही है, तब तो वह उपदेश भी कार्यकारी नहीं होगा। तो यहां पर उसका उपदेश देते हैं, वह क्या उपदेश है उसकी चर्चा अपन कल करते हैं। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।